नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जुलाई गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजन अकाउंट ऑफिसर को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी ने परिवादी से सड़क निर्माण कार्य के बकाया बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। पुलिस निरीक्षक मीरा बेनीवाल ने बताया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सड़क निर्माण कार्य के बकाया बिल पास करने के एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिविजनल अकाउंट ऑफिसर द्वारा आधा प्रतिशत कमीशन के रूप में 10,000 पे रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर जयपुर निवासी सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर के डिविजनल अकाउंट ऑफिसर अनिल दायमा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पाली जिले में 15 साल की किशोरी का किडनैप कर रेप करने के आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 20,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज सचिन गुप्ता ने यह फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि जिले के रास थाना में 2 अप्रैल 2021 को नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि 1 अप्रैल 2021 की रात उसकी नाबालिग बेटी खुले में शौच के लिए जा रही थी। इस दौरान रूपनगर निवासी 22 साल के कालूराम जबरदस्ती किडनैप कर अपने घर ले गया और रेप किया। रोते हुए बेटी घर आई और परिजनों को जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई करते हुए जज सचिन गुप्ता ने फैसला सुनाया। राजस्थान में एक्टिव मानसून से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। पश्चिमी राजस्थान के जिले इसमें सबसे अधिक प्रभावित हैं। जोधपुर सहित जैसलमेर, पाली, नागौर में तेज बारिश ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। जोधपुर में बरसात के कारण 2 दिन में 7 लोगों की जान गई है। यहां बीते 15 साल में सबसे अधिक बारिश हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार आज भी मानसून का असर प्रदेश के 10 जिलों में सबसे अधिक रहेगा। अजमेर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। वहीं 29 से 31 जुलाई तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना कम है। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुखेर पुलिस ने यहां के कविता इलाके में पीटा एक्ट से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक होटल से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक दलाल भी शामिल है। यह पूरी कार्रवाई डिप्टी SP तपेंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस जांच कर रही है कि होटल में यह सब कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। दरअसल बीती देर रात लगभग 2 बजे सुखेर पुलिस ने रामलखन होटल पर दबिश देकर पीटा एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़मेर जिले के सदर थाना अंतर्गत महाबार गांव में एक युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक के पास सुसाइड नोट भी मिला है। युवक ने धोखे से जमीन हड़पने और रुपए नहीं देने का आरोप 3 लोगों पर लगाया है। पुलिस के अनुसार सिवाना बिजलिया गांव निवासी 27 वर्षीय माधु सिंह 1 सप्ताह से अपने बहन के घर महाबार आया हुआ था। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उत्तम सिंह, तग सिंह, नरेंद्र सिंह, 2-3 अन्य लोगों पर धोखे से जमीन हड़पने व रुपए नहीं देने की बात लिखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में शहरी लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इसमें नरेगा की तर्ज पर कुशल और अकुशल श्रमिक और उनके परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कुशल और अकुशल श्रमिकों से बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा पढ़े लिखे और सिविल इंजीनियर करे डिग्रीधारी युवाओं के मामले में देखने को मिल रहा है। IRGY के तहत काम करने वाले इन श्रमिकों की मॉनिटरिंग करने और इनके कार्यों की आंकलन करने के लिए सरकार जिन कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती कर रही है उसमें लगने के लिए हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। जयपुर जिले के नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज समेत कुल 14 नगर पालिकाओं में सरकार ने पिछले दिनों 93 पदों पर भर्ती निकाली और आवेदन मांगे। 20 दिन के अंदर इन पदों के लिए 17,523 आवेदन आ गए, यानी एक पद पर 188 लोग मैदान में हैं। अलवर के रामगढ़ में सरकारी जमीन की बंदरबांट करने के प्रकरण में रामगढ़ के पूर्व तहसीलदार के बाद अब 2 पटवारी
व लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के अलवर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही यह प्रकरण सामने आया था। उसके बाद एडीएम के नेतृत्व में जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाई, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट आते ही कलेक्टर ने दो पटवारी व लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इसी मामले की जांच करने के लिए आईएएस टी रविकांत अलवर आए, जिन्होंने पूर्व मंत्री नसरू खान से आवश्यक जानकारी ली। इसके बाद रामगढ़ के उन गांवों का मौका व रिकॉर्ड देखा। इधर जिला स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर कलेक्टर ने एक्शन लिया है। पूर्व मंत्री नसरू खान ने मैं सबूत जुटाकर प्रशासन को थमाया कि अलवर के रामगढ़ में सरकारी जमीनों की बड़े स्तर पर बंदर बांट हुई है। प्रकरण सामने आते ही कलेक्टर ने पूर्व तहसीलदार घमंडी लाल को कुछ दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया था। अब दो पटवारी व लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। जोधपुर शहर के एक कारोबारी की मोबाइल सिम बंद हो गई। वह कंपनी में जाता उससे पहले ही किसी शातिर ने फर्जी सिम को उठा ली और उसके खाते से 5,40,000 की नकदी साफ कर दी। व्यापारी को इसका पता चलते ही वह महामंदिर थाने पहुंचा और केस दर्ज करवाया। थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर टावर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी रामकिशोर ने बताया कि उनके मोबाइल में दो सिम लगी हैं। एक सिम एयरटेल की बंद हो गई थी। रविवार को सिम के एयरटेल कंपनी के कार्यालय पर गए, तब कार्यालय बंद था। इसी बीच किसी शातिर ने उसकी सिम को फर्जी तरीके से उठाकर खाते से 5,40,000 रुपये की रकम साफ कर दी। पुलिस ने धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज करते हुए अब जांच आरंभ कर दी है। हनुमानगढ़ के रावतसर थाना क्षेत्र में 84 RD के पास इंदिरा गांधी नहर में एक व्यक्ति के गिरने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने गोताखोरों को नहर में उतारकर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को नहर किनारे एक कार खड़ी मिली। कार में मिले दस्तावेज भादरा तहसील के गांव शेरपुरा निवासी के हैं, जो RMP डॉक्टर बताया जा रहा है। गोताखोरों को अब तक नहर में कोई शव नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार रात को रावतसर पुलिस को सूचना मिली कि 84 RD के पास इंदिरा गांधी नहर में एक व्यक्ति गिर गया है और उसकी कार नहर किनारे खड़ी है। इस पर रावतसर थाना के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार टीम सहित मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार में एक डायरी में सुसाइड नोट लिखा हुआ है। फिलहाल कार सवार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। झुंझुनू के ADG नंबर 1 से सजा के डर से एक अभियुक्त कोर्ट रूम से फरार हो गया। पुलिस ने कुछ देर बाद ही उसे पकड़ लिया। अभियुक्त सर्किट हाउस के पास छिपा था। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अभियुक्त को 5 साल जेल और 8,000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार नवलगढ़ थाना इलाके के कैमरों की ढाणी निवासी रविंदर कुमार के जानलेवा हमला के मामले में ADG कोर्ट संख्या 1 में सुनवाई थी। ADG ने सुनवाई के बाद गार्ड को बुलाने का इशारा किया। अभियुक्त समझ गया कि उसको सजा सुनाई जा रही है। वह मौका पाकर कोर्ट रूम से बाहर आ गया और मौके से फरार हो गया। कोर्ट में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अभियुक्त रविंदर का पीछा किया और सर्किट हाउस के पीछे से उसे पकड़ लिया।